तो हेलो दोस्तों, मूवीज एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। और मार्वल के एक बहुत बड़े टीवी सीरीज का ट्रेलर आ चुका है जिसका नाम है सीक्रेट इन्विजन। और ये सीरीज मार्वल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज से मार्वल का रेपुटेशन जुड़ा हुआ है। और अगर ये सीरीज अच्छी नहीं हुई तो मार्वल की इज्जत डूब जाएगी। खैर, वो तो अभी भी डूबी हुई है। मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल को अभी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है और फैंस मार्वल से कुछ ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि इन दिनों मार्वल की मूवीज और टीवी सीरीज फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। मतलब उनमें फैंस का भी गलती नहीं है बल्कि वो अच्छी बन ही नहीं रही है, तो फैंस को पसंद कैसे आएंगी। और ये सब स्टार्ट हुआ थॉर लव एंड थंडर और सीएल जैसे सीरीज के वजह से। ये दोनों मार्वल के ऐसे प्रोडक्ट थे जो क्लियरली फैंस के मजाक उड़ा रहे थे और ये कह रहे थे कि मार्वल के ब्रांडिंग में हम तुम्हें टट्टी परोसेंगे। अब मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा हार्श हो रहा हूँ, लेकिन यार सच मुझे इन दोनों सीरीज को देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा था। लेकिन सीक्रेट इन्विजन का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्वल अपनी गलतियों से सीख रहा है और इस बार मार्वल कोई भी गलती नहीं करने वाला है क्योंकि ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि एक भी जोक नहीं क्रैक किया गया है और ट्रेलर दिखने में काफी ज्यादा डिसेंट लग रहा है। मतलब अगर आपको जरा सा भी अंदाजा है कि सीरीज में क्या दिखने वाला है तो आप इस सीरीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। देखो, सीक्रेट इन्विजन मार्वल का एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें होता क्या है कि कुछ बुरे स्कल के ग्रुप अर्थ पर आ जाते हैं और उसे कॉन्कर करना चाहते हैं। मतलब वो अर्थ पर राज करना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े पोस्ट पे जितने भी इंसान होते हैं उनको मार डालते हैं या फिर उनको कैद कर लेते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। और स्कल की एक पावर होती है कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं जिस वजह से उनको ऐसा करने में आसानी होता है। और वो सिर्फ लीडर्स का ही नहीं रूप लेते हैं बल्कि अवेंजर्स का भी रूप ले लेते हैं, उनके बीच रहते हैं। मतलब क्या हो कि अगर आपको पता चले कि अवेंजर एंड गेम में जिसने स्नैप किया था वो टोनी स्टार्क नहीं बल्कि एक स्कल था। मुझे पता है आपको ये बात सुनने में मजाक लग रही होगी, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस सीरीज में ऐसा दिखा दिया जाए। क्या हो कि आपको ये पता चले कि मार्वल में जो कैप्टन अमेरिका था वो कैप्टन अमेरिका रियल नहीं था बल्कि वो एक स्कल था। अगर आप सीक्रेट इन्विजन के इवेंट को अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरे फेवरेट सुपर हीरो क्रिएटर सुपर सुपर की सीक्रेट इन्विजन वाली कॉमिक बुक वाले वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। उस वाले वीडियो में इन्होंने काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया। इसको देखने के बाद आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि फ्यूचर में क्या भसड़ होने वाला है। सीक्रेट इन्विजन एक अवेंजर एंड गेम से भी बड़ा इवेंट है, लेकिन क्योंकि अब अवेंजर एंड गेम मूवी के बाद अवेंजर नहीं रहे हैं और वो टूट चुके हैं, वो अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए इस सीरीज में हमें अवेंजर्स तो नहीं लेकिन निक फ्यूरी को देखेंगे इन सभी प्रॉब्लम से डील करते हुए। और ऐसा हो सकता है कि इस सीरीज में हमें कोई अवेंजर्स को भी दिखाया जाए और हमें कुछ ऐसा पता चले कि कोई अवेंजर था जो कि वो ओरिजिनली अवेंजर नहीं बल्कि स्कल था। ट्रेलर में हम जैसे कि इस सीन में देख सकते हैं कि निक फ्यूरी जैसे ही कुछ कहता है तो उसके आजू बाजू के लोग खड़े होते हैं और वो सारे के सारे दरअसल स्कल होते हैं। ट्रेलर देखने में तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि फैंस को कुछ अच्छा चीज मिलने वाला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नो वे होम मूवी में हमें ये पता चला था कि जो निक फ्यूरी है वो असली वाला निक फ्यूरी नहीं है बल्कि वो कहीं और ही था। और इतने दिनों से जो अर्थ पर निक फ्यूरी था वो दरअसल तालोस था जिसको हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। तालोस की ही बेटी का रोल प्ले कर रही है एमिलिया क्लार्क। और एमिलिया क्लार्क का मैं फैन तब से बन गया हूँ जब से मैंने गेम ऑफ थ्रोन सीरीज देखा है। तो मैं सीरीज में यह देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि इनको क्या रोल मिलता है और वो इस रोल को किस तरह से प्ले करती है। ट्रेलर में हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ स्कल है जिनके पास सुपर पावर्स भी है, जिनको सुपर स्कल कहते हैं, जिनके पास किसी का रूप बदलने के अलावा भी कुछ और पावर होते हैं तो उन्हें सुपर स्कल कहते हैं। और एक जगह पर हम इसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल मुझे वैनम की तरह लग रहा था। वह सीरीज में तो काफी ज्यादा बवाल होने वाला है और काफी ज्यादा पॉलिटिक्स होने वाला है। अगर आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड नहीं हो तो मैं बोल रहा हूँ अभी से कि आप एक्साइटेड हो जाओ। बाकी इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हो कि मार्वल का क्या कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जॉनथन मेजर्स के साथ, क्या वो कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करेंगे अब या नहीं करेंगे, तो आप मेरे ये वाले वीडियो जाकर देख सकते हो। आपको इसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। बाकी इसी के साथ आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।